अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। सुन, आज की इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 13 के 13.5, 6, 7 और 8। चलो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 13.5। 13.5 न्यूमेरिकल में वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर है 10^4 वोल्ट पोटेंशियल, गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला सॉल्यूशन, चूंकि हम एक स्केड्यूल से करते आ रहे हैं वो आपने खुद अब कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। पोटेंशियल जिसको हम वी से लिखते हैं वो कह रहा है 10^4 वी है किसी एक खास पॉइंट पर, और जो चार्ज हम उठाकर ला रहे हैं वो है 100 माइक्रो कूलम का, और जो चार्ज है हमारा यानी कि जो क्यू है वो है 100 माइक्रो कूलम, और ये प्लस में। वो कह रहा है कि बताएं कि हमने जो पोटेंशियल है वो हमारे पास 10^4 वोल्ट है और चार्ज हमारे पास 100 माइक्रो कूलम है। वो कह रहा बताएं कि हमने ये चार्ज एक इंफिनिटी से उठाकर फील्ड के अंदर इस पोटेंशियल पर लेकर आना है, बताएं हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अगेन इतनी चार्ज की अमाउंट है, इंफिनिटी से उठाकर हम फील्ड के अंदर इस पोटेंशियल पर लेकर आना चाहते हैं, ऐसे पॉइंट पर लेकर आना चाहते हैं जहां पर इतना पोटेंशियल है, बताएं कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले इस माइक्रो को खत्म करते हैं, 100 × 10^-6 कूलम, ठीक है। वो कह रहा वर्क डन बताना जी, वर्क डन कितना हमें करना पड़ेगा, यानी कि डब्ल्यू हमने मालूम करना है। तो एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट पर लाने के लिए पोटेंशियल का, जो फॉर्मूला था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो हमें डब्ल्यू चाहिए, अरेंज करते हैं क्यू, जो डब्ल्यू क्यू है वो डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी मल्टीप्लाई बाई क्यू is equal to W, इसको रीअरेंज करते हैं तो W is equal to V multiplied by Q, values put कर देते हैं, putting values तो W is equal to V, V हमारे पास है जी 10^4 multiply, Q हमारे पास है जी 100 multiply 10^-6, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 100 ऐसी रहेगा multiply 10^4-6 तो बन जाएगा W is equal to 100 × 10^-2, ठीक है। ऐसे लिख लें या फिर इसको और चेंज करके हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ये 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10^2 मल्टीप्लाई, और ये 10^-2 ऑलरेडी इधर है तो W इज इक्वल टू 10^2-2, तो W इज इक्वल टू 10^0, और किसी भी फिगर की किसी भी नंबर की जो पावर जीरो होती है वो इज इक्वल टू 1 के होता है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो 1 जूल का होगा, ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट है 13.6। अब 13.6 में वो ये कह रहा है कि एक चार्ज है और वो है 2 कूलम का, एक चार्ज है वो है +2 कूलम का, ठीक है। उसको हम एक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाते हैं, वो अगर पॉइंट ए पर फील्ड है पोटेंशियल है वो है हमारे पास 100 V, और जो हम पॉइंट बी पर उसको लेकर जा रहे हैं वहां पर है 50 V। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। वो कह रहा है कि हमारे पास ना एक ये हमारे पास फील्ड है, एक है पॉजिटिव प्लेट का एक है नेगेटिव का। वो कह रहा है कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ठीक है, और 2 कूलम का चार्ज है। पॉइंट ए पर जो फील्ड है वो है वोल्टेज पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट, पॉइंट बी पर है कि 50 वोल्ट। वो कह रहा है 2 कूलम का चार्ज ए से बी तक मूव करता है, बताएं ए स्टेप से स्टार्ट किया तो 100 पोटेंशियल है और जहां पर रुका है वो 50 पोटेंशियल है। वो कह रहा है बताएं जी कितनी एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा, तो एनर्जी का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा क्यू इनटू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ई इज इक्वल टू क्यू, क्यू हमारे पास है जी 2 और वी ए हमारे पास है जी 100 − 50 और ई हमारे पास आ जाएगा 2 × 50 और ये हमारे पास आ जाएगा 100 जूल। तो एनर्जी वो कितनी प्रोवाइड करेगा हमें, कितनी देगा 100 जूल की एनर्जी देगा, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट 13.7 मेरे ख्याल में वो कह रहा है कि हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है एक कैपेसिटर की। अब वो जो कैपेसिटेंस की हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है 0.6 कूलम चार्ज उस पर स्टोर हो जाता है 9 वोल्ट बैटरी के साथ। वो कहता है जो चार्ज उसके ऊपर स्टोर होता है वो है 0.06 कूलम का और जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं बैटरी से वो 9 वोल्ट है, ठीक है। एक कैपेसिटर है
जब उसको हम फुल्ली चार्ज करते हैं उसको 9 वोल्ट की बैटरी पीछे से अटैच करते हैं, और जब फुल चार्ज होता है उसके अंदर 0.06 कूलम का चार्ज स्टोर होता है। अगर आप बताएं उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, सी हमने मालूम करना है। तो हमने पता है कि क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्या हमारे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हमें सी चाहिए तो वी मल्टीप्लाई इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू बाई वी इज इक्वल टू सी। इसको रीअरेंज करते हैं तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू क्यू, क्यू हमारे पास है जी 0.06 और वी हमारे पास है जी 9, तो सी इज इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाय 9 जो जाएगा जी 6.6 × 10⁻³, 6.67 × 10⁻³ कैपेसिटेंस कैलकुलेट होगा फैरेड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम यू भी कर सकते हैं, 6.67 × 10⁻³ होता है मिली, तो मिली फैरेड। तो ये भी हमारे पास आंसर ठीक है, दोनों आंसर हमारे पास ठीक है, जो मर्जी आप लिखिए, ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट है 13.8 न्यूमेरिकल। इसमें वो कह रहा है कि दो हमारे पास कैपेसिटर है। अच्छा, पहले कैपेसिटर में वो कहता है कि जो चार्ज में स्टोर होता है 0.03 कूलम का होता है और 6 वोल्ट की हम बैटरी लगाते हैं। चार्ज स्टोर करते हैं 0.03 कूलम का और जो बैटरी वोल्ट लगाते हैं वो 6 वोल्ट का। ये है कैपेसिटर वन के लिए, इसको हम कहेंगे Q1, इसको कहेंगे V1। अब वो कह रहा है कि कैपेसिटर सेम है, लेकिन अब की बार हम जो चार्ज है वो 2 कूलम स्टोर करना चाहते हैं, 2 कूलम का। अब बताएं, वो कहता है मैं पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा, बाय अंडरस्टैंड हुई। वो कहता है हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस पर हम 0.03 कूलम चार्ज स्टोर करते हैं तो हमें 6 वोल्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब वो कहता है कि हम उसके ऊपर अब के दूसरी बार 2 कूलम का चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, बताएं हमें कितना वोल्ट देना पड़ेगा। कैपेसिटेंस दोनों की सेम है क्योंकि कैपेसिटेंस की बात ही नहीं हुई, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो कैपेसिटेंस यहां से निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई वी, ठीक है। दोनों की जो कैपेसिटेंस सेम है, तो अगर सी वन के लिए क्यू वन वी वन, और इसी तरह से सी टू के लिए आ जाएगा क्यू टू डिवाइड बाय वी टू। चूंकि सी वन इज इक्वल टू सी टू, कैपेसिटेंस सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा क्यू वन डिवाइड बाई वी वन इज इक्वल टू क्यू टू डिवाइड बाई वी टू, ठीक हो गया। हमें क्या चाहिए, वी टू, तो वी टू में निकालने के लिए वी टू में चाहिए, वी टू नीचे है तो ऐसा करते सारे का रिवर्स कर देते हैं, नीचे वाले सारी क्वांटिटी फागर ऊपर कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी वन डिवाइड बाई क्यू वन, तो ये आ जाएगा वी टू डिवाइड बाई क्यू टू, ठीक है। ऐसे कर लें या फिर V2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले, बात एक ही है, हमें V2 चाहिए, Q2 डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले आए, V1 डिवाइड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 इज इक्वल टू V2, ठीक हो गया। तो यहां से इसको पहले रीअरेंज करते हैं, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा V1 डिवाइड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, वैल्यूज पुट करते हैं V2, V1 कितना है, V1 हमारे पास है 6 वोल्ट, Q1 कितना है, Q1 0.03 मल्टीप्लाई Q2 हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 0.03 और ये V2 है, तो V2 12 डिवाइड बाय 0.03 ये आ जाएगा 400। अब के बाद जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा वो 400 का वोल्ट होगा, क्लियर। चलेंगे फिर, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल 13.8 तक। अगर इनसे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।